स्टूडेंट्स आज आम डिस्कशन करवा सेल विषय में बहुत ही सुंदर चैप्टर टे तुम नाइन्थ क्लास साइंस बहरे जो लाइफ साइंस अच्छी तरह बहुत सुंदर भाव डिस्क्राइब होती व्हाट इज अ सेल एंड हाउ सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कौन पाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहुचे गोटे मौलिक एकक गोटे जीवन मौलिक एकक कहीं कहुच विषय में पुंगखानुपुंख भाव में डिस्कसन करवा सेल बहुत सारा फंक्शन अच्छी सेल को निहाती भाव तुम्हें जाना दरकार सेलटे कौन ता भितर कौन सब सेल ऑर्गेनेल सब अच्छा कोष अंगिका कौचु से गुड़ा सब डिटेल जानापी निहाती भाव में आमको टी होल्ड करने पड़ो। सो वेट फॉर ए बिट एंड कीप वाचिंग डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज आ भितर जितकी सब जिन इनपुट देखिए बुझापी निहाती भाव तुमको टे मैंने गोटा परफेक्टली बुझार अच्छे आगे होल्ड कर रही अच्छे। तो फास्ट आम डिस्कसन करवा व्हाट इज अ सेल वा गोटे सेल कम गोटे कोष कम। तो देख पे कोष हूँ कौन देख जमी गोटे मानते जब बिल्डिंग देखा आम घर सब या तो से घर गुड़ाक सब मैंने जो कोठाघर या भितर जब भल से अब्जर्व कर जापर जे कोठाघर भितर बेसिक जो ब्लक रोचे बिल्डिंग ब्लक से गुड़ा हूँ गोटे इटा सब तो इटार सैज आउ सेप तुम्हें देखि एका परिका कि डिफरेन्ट टाइप घर सब या पूरा एक्जाक्टली सेम जिन आम शरीर भितर जब एमती छोटिया टी कणा दे मैंने जूम कर देखा छिड़े आम जब माइक्रोस्कोपिक देखा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप देखा तो आम क्लीयरली भिजबल हम आम देखा गोटे आम सेल बहुत छोट आउ सेल मानक समाह अर्थ जमी इटा इटा जोड़ा है बहुत बड़ बड़ घर सब या ठीक सेमती आम शरीर में कौन हो सेल मानक समाह गठित यहाँ तो बुझापी किसी डिफिकल्ट नुहे। तापर आउ गोटे सब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हूँ तो से जो सेल अच्छा ना से अलमोस्ट जिते सब एनिमल अच्छा प्लांट अच्छा भितर जो सेल ऑर्गेनेल अच्छे जहाँ को आम कहे आम कोष अंगिका जो कौच से कोष अंगिका गुड़ाक जो सब रही बेसिकली कौन हुए ना सी गुड़ा भी तातर से गुड़ा सब सेम प्राय मैक्सीम जिन गुड़ाक प्रत्येक एनिमल सेल आउ लिविंग सेल जितेक सब अच्छी समस्त प्राय अलमोस्ट सेम। तो सेटा को बीटे बीट बुझेबा सेल केते प्रकार कौन ता भीतर मध्ये डिस्क्राइब करिबा। सो विदाउट टू डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स जस्ट बिफोर आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई चैनल माई सेल्फ परमेश्वर सर आई यू नो माई चैनल इज ए वेरी लिटिल चैनल एंड दैट इज फॉर विदाउट योर हेल्प। तो समस्त को रिक्वेस्ट करी जो मैंने भी नुआ आस निहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर मत एनकरेज कराओ आहरी बहुत सुंदर भाव में भिड सब तुम्हारा अपलोड देदेवि आज जो मैंने भी सब नुआ आस चैनल को निहाती भाव में चैनलटा सब्सक्राइब कर आ बेल आइकन में नोटिफिकेशन जो अच्छे क्लिक कर आउ तुम भाई सांग सहित इंट्रोड्यूस कराओ आज जब किसी भूल होता है मत क्षमा कर मत कमेंट कले मुझे सुधा देवी। तो चलो पुणे आम कोष विषय में आलोचना करवा। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज ए वेरी नाइस वीडियो फॉर यू एंड आई हैव मेड दिस वीडियो विथ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे बाय द वे तुमको आज बहुत सुंदर भाव में बुझाक चेषा करी जीवकोश कौन आउ यार संगठन केमी अर्थ आम जोड़ा को सेल कौचु आउ तहार ऑर्गेनाइजेशन तो केमी या सुंदर भाव में डिस्क्राइब करवा विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो चलो प्रथम आम आरम्भ करवा फास्ट सेल कौन तो कोष ओवरअली तुम्हें भलमंद कि जाथ्व जो कोष गोटे कौन मैंने गोटे जीव को जब आम देखा ओवरअली जब गोटे जीव को देखा तेल निहाती भाव में शरीर कोष भाव कोषर समाह जमी गोटे एग्जाम्पल मुझे एमती मन करूँ आम गोटे घर आम बिल्डिंग जो या जो कोठाघर याबू जदि तुम्हें भांगिक देखे छोट छोट बिल्डिंग ब्लक सब लगी जोटा को आम इटा कौच इटार साइज सेपटा एक प्रकार कितना आम घर से बहुत विभिन्न प्रकार डिजाइन सब घर यामती आम शरीर मैंने से कोष मानक समाह विभिन्न प्रकार सब या बुझीपार ना ना तो सहीटा हूँ कोष। तो प्रथम आम पढ़ा जी जाना सेटा हूँ जीवर गोटे मौलिक एकक तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बुझीपार ना ना अर्थ हूँ पूरा प्रथम रु सर्वप्रथमें आम से कोष छोट कोषटी हुई आम जीवनटा तैयारी छोट कोष जितेबाला आम एककोशी थी धीरे धीरे बहुकोशी हेले अर्थ बहुत सारा कोष आम भितर भरपूर होगापर आम शरीरटा गठन है बुझीपार ना ना सीटा हूँ गोटे मौलिक एकक। तो ये कथा को प्रथम किए बाहर करते ये जो जो आम अच्छा किए से रॉबर्ट हुक बुझीपार ना ना जो वैज्ञानिक जन साइंटिस्ट सी प्रथम हाथ या गोटे सरल अणुवीक्षण जंत्र साहाज्यरे गोटे गच्छर बकल जोटा कि आम कर्क बोली कहूँ से जूम कर देखिथिले से अणुवीक्षण साहाज्यरे देखिथिले जे ता भितर छोट छोट बिल्डिंग ब्लॉक सब देखा अर्थ छोटे छोटे कोठरी परिका किसी देखा जाऊँ तो सीटा को सी तार ना देते कोष बुझीपार ना ना अर्थ सेल बुझिपाल
तो ये सब से गुड़ा सब डिस्क्राइब होती जदि तुम नोट दरकार होती भाव में एर तुम नोट भी उतारी नहीं पार। तो चलो आम नेक्स्ट जी जिते तुम बही अनुजाई जदि तुम गोटे पिजर एक पतला आवरण टाक नब यू काढ़ गोटे तार पत्ताटा को नब सरुआटा है कि जी तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल देख अंडर माइक्रोस्कोप तुम देख तेल कौन हम ना से तुमको देखा जाए स्ट्रक्चर किसी एमतिका अच्छी जमीक एमती छोट 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 कोठर सब देखा मिले बुझेगा। तो सैया मानने भी कोष कह जाए सेटा कोष देखी ये जो देखते कोष देखते आठ जो देखा गोटे कोष आते जो छोटिया छोटिया प्राय मिडिल लेवल अच्छी से गुड़ाक न्यूक्लियस कहुए से गुड़ा आम डिस्कसन करवा। तो आम आगे कोषटा बेसी कौन जान लें मन करते ये गोटे पिज या बुझीपाल ना ना। तो ये पिज को जो आम सीना एमती ओभराल देखिले पिज पिज कर जमापड़ी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल देखा पूरा जूम कर देखा बहुत छोट छोट तार कणा गुड़ाक कणिका गुड़ी देखापी आम समर्थ हाँ तेल आम देखा जमी सब कोठरी अच्छे तो से कोठरी गुड़ाक सब कोष कहुए बुझीपाल किए प्रथम बाहर करते रोबोट हुक बाहर करते आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा तापर आसीगला गोटे नेक्स्टी आउ गोटे हूँ आदिजीवक यहाँ पुणी सेटा के बाहर से पाने तुम्हें बहुत इंपोर्टाट परीक्षार क्वेश्चन आसो मुझे सब मानने हिडिंग करदे जोटा कि तुम सुविधा हम देखापी तुम आई क्याच कर तुम्हें आपको चाहिए नोट कर पार आमर 1665 मसीह रोबर्ट हुक देखी प्रथम तापर कौन है देख आम आसा पुणी परवर्त समय नेक्स्टी न्यूक्लियस जोटा कौच सेटा पुणी थे 1831 मसीह रोबर्ट ब्राउन को द्वारा ये सब तुम चित्र दे दीजिए तुम जो दरकार हम निहती भाव में भिडियोटी को पज कर से साइंटिस्ट मानक तुम्हें चेक कर आदि से साइंटिस्ट मानक चेक करने चाहिए तुम मोबाइल भी चेक कर पार किसी असुविधा ना बाई दे पुणी 1839 मसीह जो पुर्किन जे जे अच्छा से आदिजीवक बाहर करते अर्थ प्रोटोप्लास्ट। तो एमती बेसिकाली तुम्हें एमती बुझ जो प्रोटोप्लास्ट हो तुमको गोटे सेल स्ट्रक्चर देखा से बुझा सहज हम। तो देख यहाँ मन कर कोष बहुत ही सुंदर भाव में बुझेदेवी डिस्क्राइब करी तुम सुंदर भाव में टी धर्य धरी बस आभित जिते भी सब जिन अच्छी तुम डिटेल पूरा बुझेदेवी जहाँफल कि तुम एक्जामेसन पूरा 100% मार्क सिक्योर कर ए विषय। तो चलो देख यहाँ हूँ तुम मन कर गोटे कोष है कि तो ये कोष भितर जिते सब जिनस गुड़ाक अच्छी सब प्रोटोप्लास्ट कह जाए बुझीपार ना ना। तो एंटायर ये तो प्रोटोप्लास्ट गोटे वार्ड से प्रकृत में गोटे प्लांट सेल रू आसी प्लांट सेल जो तुम्हें देख लो आमर गोटे उपर अच्छी कोष भित्ति देखि तो से कोष भित्ति को उठे सारापर तर कोष झिली आरंभ होमर फास्ट जो आउटर मोस्ट कवर आम जिते आनिमल अच्छा से मानकर हूँ आउटर मोस्ट कवर हूँ कोष झिली किंतु जो गच्छ माने देखु सब माने ग्रीन प्लांट सब देखु से मानकर आउ किसी बैक्टेरिया अच्छा से मानकर आउ गोटे लेयर बाहर पटे थाए तुमको आहरी आगे जो जी डिस्क्राइब करदेवी तर एत टेंशन नवार ना। तो सेटा को कहते कोष भित्ति तो आमर एटी कोष भित्ति आम सेल न थाए कि प्लांट सेल मानक कोष भित्ति सब थाए बुझेगा। तो एमती जो सब ना लिखाई तुम्हें मन रखे आमर फास्ट कौन बाहर कोष डिस्कवर है भितर आउ टे छोट छोट आकार देखिले से न्यूक्लियस जना पड़ा आउ न्यूक्लियस छाड़ला आज जो रेस्ट पार्ट रहा मैंने कोष झेली भितर साइटोप्लाज्म अच्छी साइटोप्लाज्म भितर बहुत सारा जिनस भासी बोलूँ प्रोटोप्लास्ट कहला जोड़ा कि बर्तमान देखेली आउ डिटेल जो दरकार होती निहत भाव में इंटरनेट रू सर्च कर देखिपार। तो ये सब को जो आम कंबाइन करदे आमर सिल्डन आउ स्कैन तो ये 1839 मसीह पूरा कोष को वर्णना करने चेषा कले कोषर सिद्धांत को वर्णना करने चेषा कले अर्थ जोड़ा आम सेल थ्योरी कही था बुझेगा। तो कौन कले आम से आगे सब जा पढ़ा देख आउ पी कौन पर 1855 मसीह जो भिर्चो अच्छा से कहले कोष हूँ विभाजनक्षम अर्थ कोष को भांगी मैंने भंगा जा पार अर्थ सी छाए छाए डिवाइड हो तुम्हें जानी थो तुम जो छोट थ से तुम्हें एक कोशी थो कि परवर्त मुहूर्त में तुम जो मल्टीसेलुलर आड़ को गल तुम्हें बहुकोशी हाँ धीरे धीरे गल से तुम कोष गुड़ाक सब विभाजन हो बढ़ाक लगला देख मोटे एक्जामपल दौर तुम्हें बुझीपार जमी छोट बेले आम शरीर छोट थी तेणु आम शरीर भितर निहाती भाव में कोषर परिमाणटा कम थी किंतु जो आम धीरे धीरे बड़ हेले से आम शरीर बड़ हाँ लगला वृद्धि करने को लगला। तो से निहाती भाव में निश्चित भाव में तुम्हें अनुमान कर तुम ओजन बढ़ला तुम सैज से बढ़ला ता मैंने निहती भाव में तुम कोषर कम्बेसन आहरी अधिकता भितर यूज है। तो एमती तुम्हें कोष यदि विभाजन न होता कोष यदि
मूलर एमती डिभाइड न होता तुम बढ़ी था कमी कौन तुम वृद्धि केमी होता तो से तुम कोष विभाजन क्षम अर्थ कोष विभाजन क्षम अर्थ भांगी पारे बा नूतन कोष तैयारी गोटे दुईटा दुटा चार्टे चार्ट आठटा एमती सब कोष डिवाइड हो चले आउ कौन नूतन कोषर जो सृष्टि हो सर्वदा एक पूर्व कोषर संभव होता है कोष एमती नुहे मानने गोटे किसी निर्जीव जिनस पलैस कोष सब गोटे जीव अर्थ गोटे सेल लिविंग सेल रु आ गोटे कोष डेवलप हे बुझिपार ना ना अर्थ गोटे सेल भांगे दुटा सेल हम से पुणी दुईटा चार्टा चार्टर आठटा एमती एमती बढ़ी बढ़ी चलो तो सी कथा कहले जे विभाजन क्षम आउ नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषर ही संभव होता है अर्थ गोटे कोष थी से संभव यहाँ बार बार आसे बंद करदे तो पे बुझल तापर आम जा नेक्स्ट जोड़ा अच्छी आमर बैक्टेरिया नीलहरी शैवाल आदि प्राणी इत्यादि सब जो अणुजीव मान शरीर गोटे कोषर गठित होता बेले आम जो प्राणी सब देखुचु आम जो मानने उद्भिद सब देखुचु केवल तुम्हें एति की बुझ किसी बैक्टेरिया आ नीलहरी शैवाल आदि प्राणी प्रोटोजोआ जो कहते तो ये छाड़ सारापर एम सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते एककोशी प्राणी कहते से संपूर्ण जीवनटा गोटे कोष भितर सब कम हुए जमीक आमर आम खाद्य खाऊ हजम कर आमर शक्ति मिलूँ तापर आमर मोशन हो मैं आम गति पुणे रेचन करुचु आम जहाँ भी सब करुचु बढ़ुचु तो आम खाई जमी भी चलुचु से आम बहुत कोष मान समाह गठित होलुचु कितु से समुदाय गोटे कोष ये जो आम देख पारामेसियम देख युग्लिना देख एम जो टोटाल शरीरटा हो गोटे कोष मतलब ये गोटे कोष गोटे जीव अर्थ ता भितर जिते सब आम कार्य अच्छी तार मध्य से गुड़ाक सब होवश्य तार टी एत डेवलप नुहता सेलटा बुझिपार ना ना कि आम शरीर गुड़ाक डेवलप्ड अर्थ बहुत सारा कोषर कम्बिनेसन होती तार शरीरटा जो आम जीवनटा अति सरल बुझिपार ना ना तो से कथा कहुची जिते सब कार्य आम अच्छी आम जहाँ भी सब करुच्छे रेस्पिरेसन करुचु श्वासक्रिया करुचु रेचन करुचु वृद्धि होजनन हो सब गुड़ाक एककोशी शरीर में एककोशी शरीर में गोटे कथा कौन से माने पूरा जीवनटा गोटे कोष भितर समाहित कितु आमर जो जीवनटा अच्छी से बहुत सारा कोष मान कम्बिनेसन चलो बुझिपाल तापर आम नेक्स्ट को जीवा देख नेक्स्ट कौन अच्छी सरी गोटे गोटे स्टेप पलगला ये जीवर मौलिक एक हूँ कोष मुझे तुमको अलरेडी सब बुझे सारी जे यहाँ देख यहाँ हूँ गोटे प्लांट सेल यहाँ हूँ गोटे आनिमल सेल बुझिपाल ना ना तो प्लांट सेल गोटे आउटरमोस्ट कवर देख एक्सट्रा अच्छी जोटा कि ग्रीन ग्रीन देखा सेटा बेसिकली सेलुलोज जितिय गोटे श्वेत सार है कि जोटा कि मानने सेल को प्रोटेक्ट करुच्ची जोटा देखा हूँ गोटे आनिमल सेल से कोष झिली आरंभ बुझिपार ना ना बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रु आरंभ कि प्रथम हो कोष भित्ति तापर जाए कोष झिली गोटे प्लांट सेल किंतु आमर जो मानने आनिमल मैंने सब रही कोष झिली आरंभ हो फास्ट आउटरमोस्ट कवरटा कोष झिली बुझिपार ना ना तो बर्तमान चल आम जा आगे ये जो कहला जीवर मौलिक एकक हूँ कोष फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहती पूरा मौलिक कौन पर कह समस्त जीव जहाँ भी जो पूरा छोटे से जीवनटा गोटे बहुत जैगोट जो फर्मेसन है जोटा को आम कौ जो जुग्म ज तो जुग्म क आ जुग्म क जो मिलन हुए स्त्री गोटे जैगोट तैयारी हुए अर्थ गोटे जुग्म ज तैयारी हुए तो से समय से यूनिसेलुलर थाए अर्थ एककोश थाए कि एककोशी पर धीरे धीरे से गुड़ा सब डेवलप हुए तापर से सब बहुकोश आड़क कथ जाए आम बहुकोश हो बड़ हो बुझिपाल ना ना तो एमती जीवर मौलिक एककोश कोष तो ओवरअल जो देख कोष ही सबकि मतलब तुम शरीर जब सर्वाइव करम शरीर जब बची रही दैट्स बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ योर सेल्स बुझिपार ना ना तापर आम डिफरेन्ट सेल तो आम अलग प्रकार जो सेल अच्छी सेल्स आर नॉट वन टाइप से गोटे प्रकार नुह से बहुत सारा प्रकार अच्छा आम सेल को जो आउरी डिटेल पढ़ा हायर क्लास पढ़ा से सेल मानकर विभिन्न प्रकार सेल आर फंक्शन विषय जानवा तो आम आउट आगे जा बर्तन यहाँ देख तो कोष को दुई श्रेणी विभक्त कराई गोटे हूँ प्राग नेष्टीय कोष आ गोटे हूँ सुनेष्टीय कोष ताको इंग्लिश रे प्रोकैरियोटिक सेल कहते जोटा कि प्राग नेष्टीय कोष को प्रोकैरियोटिक सेल कहते आ सुनेष्टीय कोष को यूकैरियोटिक सेल कहते तो ये जोटा दे प्राग नेष्टीय कोष मतलब इमान सेल भितर गोटे जो आम न्यूक्लियोटाइड रिजन देखिए न्यूक्लियर
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତୁମର ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥାଏ ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ହେଡ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ମାନେ ସେଠି ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଡ୍ ପାର୍ଟ ମତଲବ ମୁଖ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ କୋଷୀ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ସେମିତିକା ତା'ର କିଛି ଯେଉଁ DNA ଅଛି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସେ ସେମିତିଆ କିଛି ଭିଜିବୁଲ୍ ହୁଏନି ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ସେଇଟାରେ ତାଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି ମତଲବ ସେ ଏତେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହୁଏ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ତ ଓଭରାଲ୍ ତୁମେ ଏତିକି ହିଁ ବୁଝ ଆ ଭିତରେ ନେଷ୍ଟିଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଭିଜିବୁଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ୟୁକାରିଡ଼ିକ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ନେଷ୍ଟିଟା ଭିଜିବୁଲ୍ ହୁଏ ତ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ କ'ଣ ଇଏ ଟିକେ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ ନୁହଁ ମାନେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନୁହଁ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ ନୁହଁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମତଲବ ଆଧିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଯିବା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆମର ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ କୋଷକୁ ଯଦି ତୁମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା ଅଂଶ ଆମେ ବେସିକାଲି ପାଇବା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା ତାକୁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ କଭର୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ମାନେ ସେଲ୍ର ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ କଭର୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ତା ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍କୁ ସବୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ରଖିଥାଏ ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତିକି ପାଣି ଆମର ପାଉଚ୍ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ତ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତା ପାଉଚ୍ ଭିତରେ ପଶିଛି ତ ପାଉଚ୍ର ଯେଉଁ ଜରିଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜେଲି ଲାଇକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ତ ଯେମିତିକି କହିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ତ ସେଲ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଉଛି ହେଡ୍ ପାର୍ଟ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତିନିଟା ବେସିକାଲି ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲି ଆଉ କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଷ ଝିଲି ପଢ଼ିବା ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପଢ଼ିବା ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ବିକଜ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଲ୍ ବି ଲଙ୍ଗର ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କଭର୍ କରିବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ସୋ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ସୁନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର